इस चमन से अच्छा कोई नहीं और इस गगन से अच्छा कोई नहीं, सच पूछो तो मेरे दोस्तों, मेरे वतन से अच्छा कोई नहीं, मेरे वतन से अच्छा कोई नहीं। लिखा कवि ने, हे रे भारत माँ का पूती लाड़ीला, दिल में बसना चाहिए रे, कहा कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रीय पिता का दर्जा मिला हुआ है। हम ये नहीं कहते कि भगत सिंह को भी राष्ट्रीय पिता का दर्जा दो। जब महात्मा गांधी जी को राष्ट्रीय पिता का दर्जा मिला हुआ है तो भगत सिंह को राष्ट्रीय पुत्र का दर्जा तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो भी इस देश के लिए, हम लोगों के लिए अपनी जान देकर गया है। वाह। कहा, हे रे भारत माँ का पूती लाड़ीला, भारत माँ का पूती लाड़ीला, दिल में बसना चाहिए रे, चाहिए रे, चाहिए रे, नोटा ऊपर भगत सिंह सरदारी बेटा, चाहिए रे, नोटा ऊपर भगत सिंह सरदारी बेटा, चाहिए रे। Party।
सरदार छपरा सुनिए रे जोतायो पर भगत जी के सरदार छपरा सुनिए रे ये भगत सिंह की रागनी सुना रही हूँ मैं, डांस से बढ़िया लगी या नहीं लगी? बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए कहा अमन दिनों ते आड़े सबका, अमन दिनों ते आड़े सबका, इतना भरना चाहिए रे चाहिए रे चाहिए रे, नोटायों पर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे, सरदार छपना चाहिए रे, भारत माँ का बूंद लाडिला, भारत माँ का बूंद लाडिला, दिल में बसना चाहिए रे चाहिए रे चाहिए रे, नोटों पर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे, नोटों पर भगत सिंह सरदार। हिंदुस्तानी हो उठाओ पर बिल्कुल सीधे हाथ, इधर भी जो हाथ सीधे खड़े नहीं करेगा उसको भारत माता की कसम है। कौन कौन प्यार करता है भारत माता से? क्योंकि ये कैमरे लगे हुए हैं और जो भी हाथ खड़े करेगा अपने देश के लिए उन सब की तस्वीर इस कैमरे में कैद होगी। उठाएंगे बिल्कुल सीधे हाथ, बीच में नहीं उठ रहे। जो सच्चा हिंदुस्तानी है बिल्कुल सीधे हाथ खड़े करेंगे, और अगर कोई पाकिस्तानी यहाँ बैठा है तो उसे हाथ खड़े करने के लिए नहीं कहूंगी। उठाएंगे हाथ और ताली बजानी है भगत सिंह के लिए, और कहना है ऐसे नहीं बजानी, मेरे साथ मिलकर बजानी है। उठाएंगे